श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी का एक नाम पार्श्व एकादशी भी है। पार्श्व एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इसके साथ ही वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट में होते हैं। इस वजह से भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय भगवान विष्णु की अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमको बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा या परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवाशर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों तथा द्वारा पूजन भगवान का और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से तीन पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे मुझको ये मुझको तीन लोक के समान है और ये राजन यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बाली से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय भगवान विष्णु की। अंत में आरती गाकर प्रसाद खाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है और द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण भोज करवा कर यथासंभव उनको दान देकर आप इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।